नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर। और सुबह सुबह मैं जो है जल्दी आज धाम पर पहुंच चुका हूं। और सबसे पहले हमारा जो कार्यक्रम है गायों को चाटा आटा आहार देना, और इसी के साथ हम गायों को आज गुड़ भी देंगे। देखो गुड़ मैं लेकर के आया हूँ 551 रुपये का, ये आप देख रहे हैं 551 रुपये का गुड़ ये जो है भेजा है। आप पुण्यात्मा स्वर्गीय मनीष जी भंबू अध्यापक नगर अभोर पंजाब से, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, की याद में उनके एक विद्यार्थी द्वारा भेजा गया है। और विद्यार्थी है श्री गंगानगर जिले का गांव बोद्दीवाला पिथा से, उन्होंने ये गुड़ भेजा है और बोला है कि अंकल जी गायों को सीधा डायरेक्ट ये गुड़ देना है, तो मैं लेकर के आया हूँ। अभी जो है इससे नमी की वजह से बरसात भारी आसपास बरसात होने की वजह से गुड़ में थोड़ी नमी है, लेकिन गुड़ बहुत ही जोरदार है। देख बाटिया है इनसे तो मेरे YouTube परिवार, हम जो है गायों को सबसे पहले ये गुड़ दे रहे हैं इस प्रकार से, और ये अपने आप ही ऐसे ही ले लेंगे, कोई वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इनको जो है गुड़ दे देते हैं गाड़ी के अंदर से। हाँ चार आम दे दियो और पांच रह रही है। ये देन कौन दे भाई? ला 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 कौन दे ला 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 छोटा छो बच्ची है, छोटा छो बच्ची है, छोटा छो ही नहीं खुआ दिया है गुड़। तो उस विद्यार्थी ने जो है अपने गुरुजी के नाम का, अपने टीचर अध्यापक के नाम का जो है ये गायों को गुड़ देने हैं। अरे कौन ही दियो है, कौन ही दियो, बनो इतनी खासी लागी तार लगी है। तो इस तरह से मेरे YouTube परिवार, ये जो आप गुड़ वाली जो प्रक्रिया देख रहे हैं, सभी गायों को वहां पर दो दो तीन तीन बाटिया गुड़ देने के बाद बचा हुआ जो है वो हम इस चाटे में मिक्स कर देते हैं, ताकि चाटा भी मीठा हो जाएगा। आज पूरा चाटा एकदम मीठा हो जाएगा, ये देखो पूरा मिला देते हैं इसमें, पूरा चाटा मीठा करना है आज। ये देखो एक जन आटा खड़े हो जाओ, एक जन बैठे खड़े हो जाओ, मतलब इनने जानी नहीं थी Thank you.
तो परिवार आज जो है झड़ की वजह से, क्योंकि कल यहाँ पर बहुत ही भारी बारिश हुई है कल शाम को, और रात में 1:30 बजे और बरसो, तो रास्ते सारे जाम हो गए हैं। बहुत ही मुश्किल से गाड़ी लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। रात को भी बारिश हो रही थी। देवीलाल रात को यहाँ चौकीदार की ड्यूटी पर रहता है, ये बता रहा है कि बहुत तकड़ी बरसात ही रात कल 4 बजे रात 100 साढ़े 7 है। और गायों को भूख जो है बहुत ज़्यादा लगती है जड़ में, तो हमने आज चाटा आटा आहार के अलावा 10 किलो गुड़ भी गायों को खिला दिया है। तो ये जो है अभी जितनी संख्या में हैं, तो ये मान के चलो कि इनको कम से कम 1 किलो प्रत्येक को जो है पानी आ गया है। 1 किलो चाटा आटा आहार और गुड़, एक टीन शेड के नीचे जो ठाण लगे हैं उनमें भी चारा डाला हुआ है, वहाँ पर जो ठाण है उनमें भी है, बाड़े के अंदर जो ठाण है उनमें भी चारा डाला हुआ है, सब में चारा है। ये देखो फुल धापी हुई है, भूखी नहीं है, कहीं पर भी चर सकती है, पानी की खेल भरी हुई है, कहीं पर भी पानी पी सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है, एकदम खुली रहती है पूरे दिन। तैयार है तो? हाँ एकदम तैयार। हाँ चलो। तो ये जो है देखो कैसे इनका जो है सिस्टम सेटिंग किया जा रहा है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं इनमें दवाई डाल डाल करके और पीछे से पानी भी डाला जा रहा है। और ये 5 पौधे बहन संगीता जी सुथार नगर नागपुर महाराष्ट्र से, और उन्होंने पूछा भी था कि भाई साहब हमारे नाम के जो पौधे लगाए हुए हैं वो किस प्रकार के हैं हमें दिखाना। और ये पिंपल जो है उन्होंने अपने हाथ से ही लगाया था, लूणकण सर से आए थे वो प्रजापत मिस्त्री जी, और बहुत ज़ोरदार बढ़िया पेड़ है ये पिंपल का। आप गुलमोर देख रहे हैं, ये है इनके नाम की जिन्होंने शौचालय बनवाया, देव किशन जी सुजानगढ़, हाल लंदन में रहते हैं लाइन में। ये पौधा उनके नाम का है, ये भी बहुत गजब है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। माँ दमयंती माली रातलिया, बेटा चेतन माली, डॉक्टर चेतन माली उदयपुर से। ये पौधे उनके नाम के लगे हुए हैं। यहाँ पर 60 पौधे लगाए थे सबसे पहले, धाम परिसर के एकदम चारों तरफ लगे हुए हैं ये पौधे। तो ये भी है गुलमोर है, बकेण है, ये भी एकदम टनाटन है पौधे, कोई तरह की इनको कोई समस्या नहीं है। देखो बरसात की वजह से पौधे एकदम सभी खिलखिला रहे हैं, ये देखो कितने ज़ोरदार। ये देखो छोटा, हमने ये छोटी बाल्टी का नाप इसीलिए रखा है कि भाई पानी की तो कोई कमी नहीं है। ये जो है हम पाउडर जो डाल रहे हैं ये नीचे चला जाना चाहिए, इसलिए ये छोटी छोटी बाल्टी से एक एक बाल्टी डलवा रहे हैं। इस में ये जो आप देख रहे हैं पौधे, इनके चारों तरफ जो है पौधों को घास ने जकड़ लिया है। ये कांटे वाला जो घास है ये देखो किस प्रकार से है, बहुत ही ज़बरदस्त घास है पौधों के आसपास से, ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम जो है पौधों की पैरवाई में लगे हुए थे, तभी धाम पर देखो यात्री भी आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, लगता है ये दूर से चला करके आए हैं वीआईपी गाड़ी लेकर के। चूरू जय श्री राम, जय श्री राम। चूरू आ रहा हो? मैं चूरू आई हूँ, ऐसे तो मैं आई हूँ खजुवाड़ा हूँ। अच्छा, पर लेकिन फिलहाल चूरू में है। हाँ हाँ। और गांव मेरा तो गारबदेसरी है। गांव गारबदेसरी है, गारबदेसरी की बेटी है, चूरू सासरा है, और खजुवाड़ा ड्यूटी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे यूट्यूब परिवार आप देख रहे हैं, आज पहली बार धाम पर ऊंट गाड़े का प्रवेश भी हो चुका है। इतने दिन हमें ट्रैक्टर से ही काम करवा रहे थे सभी, लेकिन आज देवीलाल ने जो है ऊंट गाड़ा बुला लिया है। तो धाम पर जो है अभी निर्माण कार्य फिर से चालू कर रहे हैं। निर्माण कार्य चालू करने के लिए सबसे पहले जो है देखो बजरी, ईंट, सीमेंट, मिट्टी वहाँ पर डलवाना पड़ेगा जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। राकेश जी डूकिया गांव बालेरा बिद्दासर चूरू से 101 रुपया। रामचंद्र जी गोदारा गांव 25 MOD पीलीबंगा जिला मानगढ़ से 500 रुपया। विनोद कुमार जी शर्मा गांव गोरीसर रतनगढ़ चूरू से 101 रुपया। मीनाक्षी जी बारठ नगर उदयपुर राजस्थान से 151 रुपया। बुद्धराम जी सारण गांव पोड़का नोरन मानगढ़ से 101 रुपया। ललिता जी गोटिया गोदारा नगर हनुमानगढ़ हाल जयपुर से 201 रुपया।
मनफूल सिंह जी कलवाणिया गांव डूडवा लक्ष्मणगढ़ सिकर से 121 रुपया, बजरंग लाल जी गुप्ता नगर रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली से 501 रुपया, जे विकास एंड कंपनी नगर मुंबई महाराष्ट्र से 2100 रुपया, रघुवीर दास जी स्वामी गांव डेहरी जायल नागौर से 100 रुपया, हेमंत जी बंसीवाल गांव कोठारिया नाथ द्वारा राजसमंद से 101 रुपया, पूनम चंद सुभाष चंद्र जी जांगीड़ नगर राजगढ़ चूरू से 101 रुपया, नेनू सिंह जी गांव करला ब्यावर राजस्थान से 151 रुपया, सुमेर सिंह जी योगी गांव मालपुरा झुंझुनू से 101 रुपया, रूपिंदर सिंह जी नगर फरीदकोट पंजाब से 101 रुपया, पूजा कमानी वर्कशॉप गांव परागपुरा कोटपुतली अलवर से 151 रुपया, दीनदयाल जी शर्मा गांव सोनियासर बिद्दासर चूरू से 101 रुपया, मदन लाल जी सोनी गांव बज्जू बीकानेर से 501 रुपया, गजेंद्र सिंह जी सिसोदिया नगर ठिकाना मोडी नीमच मध्य प्रदेश से 101 रुपया, अतुल चंद्रकांत जी अंजारिया नगर हीरानंदानी गार्डन पोवई मुंबई से 5001 रुपया, हुक्म सिंह जी सिसोदिया गांव भवरानी जालोर हाल मुंबई से 211 रुपया, अर्जुन सिंह जी गांव लालगढ़ चूरू राजस्थान से 101 रुपया, बहन दीपारानी नगर नई दिल्ली से 501 रुपया, भीम सिंह जी सिंगल नगर सिरसा हरियाणा से 201 रुपया और बहन मीनाक्षी जी नगर द्वारिका सेक्टर 12 दिल्ली से 101 रुपया। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।